आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नगर निगम को करप्शन का अड्डा बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जानबूझकर पार्षदों को करप्शन करने की छूट दी और इस बार निगम चुनाव में उस पर पार्षदों के करप्शन पर मुहर लगाते हुए उन सभी 154 निगम पार्षदों को टिकट नहीं देने का ऐलान किया। कि भारतीय जनता पार्टी ने 153 लोगों के टिकट काट कर पहला संदेश तो ये दिया कि वे भ्रष्ट हैं। अब जो नई खेप आ रही है उनको यह संदेश दिया जा रहा है कि ये लूट के गए, अब तुम लोगों को लूटने की बारी आ गई, तुम्हारी अब लूटने की खसोटने की जनता को लूटने की बारी आ गई, ये उनसे कहा जा रहा है। और दिल्ली की जनता ये मानेगी, इसको जानकर इसको मानकर आगामी निगम के चुनावों में वोट करेगी, क्योंकि 153 का आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता की ओर से एक किस्म की उनकी स्वीकृति है, दिल्ली की जनता की इस तथ्य की स्वीकृति कि भारतीय जनता पार्टी ने 153 लोगों को पहले लूटने दिया, अब नई खेप तैयार हो रही है दिल्ली के लोगों को एमसीडी के जरिए लूटवाने की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस के निगम पार्षदों की हकीकत घर घर जाकर लोगों को बताएगी, केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी और दिल्ली में गंदगी की हकीकत से भी लोगों को रूबरू कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं वो सारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता की सेवा में सतत लगे रहे हैं और आम आदमी पार्टी पहले की तरह आश्वस्त है अपने समर्पण की वजह से, अपने सामाजिक योगदान की वजह से। और निश्चित रूप से चूंकि ये चुनाव बहुत लोकलाइज्ड है, हमारे सारे प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े हुए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे वो आगामी निगम के चुनाव में कि जनता झाड़ू का साथ दे। ये तो मतदाताओं के लिए मुद्दे की बात हुई। मतदाताओं का मूड गोवा और पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त के अलावा यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत से ही प्रभावित होगा, लिहाजा आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण में उतार चढ़ाव की गुंजाइश भी बनी रहेगी। टोटल न्यूज़ के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।